मेनपुरी थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिंहपुर नहर पुल के पास ग्राम नगला नया मोड़ पर पुलिस ने शराब से लदा ट्रक घेराबंदी कर पंजाब मार्का की 876 बोतल रॉयल स्टेज की 73 पेटी व ट्रक पकड़ा। आपको बता दें कि पंजाब से दो अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र उत्तम सिंह निवासी सिफौ रोड अयोध्या कुंज कॉलोनी थाना कोतवाली जिला धौलपुर राजस्थान, देवेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय आत्मा सिंह निवासी करेरुआ पूरा गुरुद्वारा थाना कंचनपुर तहसील पौड़ी जिला धौलपुर राजस्थान को शराब सहित गिरफ्तार किया। ये शराब पंजाब से तस्करी कर यूपी में सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही थी। शराब पर ट्रक की कीमत लगभग 31,50,000 बताई गई है। ये शराब की तस्करी लंबे समय से धड़ल्ले से चल रही है। थाना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और 73 पेटी रॉयल स्टेज की 876 बॉटल शराब को पकड़ा है। ये हमारी जो स्वाट टीम है राजेश और कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सेंगर और उनकी टीम सिंहपुर नहर पुल के पास से एक ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें से जो 73 पेटी शराब है, जो अंग्रेजी शराब है, इसमें 876 बोतल है और ये तस्करी करके पंजाब से अम्बाला से बिहार ले जा रहे थे छपरा बेचने के लिए, जिसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक ही मनोज कुमार है और दूसरा देवेंद्र सिंह। ये दोनों धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और इसकी कीमत की जानकारी दी गई तो करीब 11.5 लाख रुपए यहाँ पर इसकी कीमत है और ये जब बिहार ले जाते हैं तो वहाँ इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। तो एक पुलिस की बड़ी कामयाबी है इसमें, पुलिस जो टीम है पकड़ने वाली टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। सर आपके अलावा और कुछ क्या क्या बरामद किया सर? ये बड़े एक अलग टाइप की मॉडल सॉवरेंटी के तहत ये शराब ले जा रहे थे। पीछे उसमें नहीं रखे हुए थे बल्कि जहाँ पर बैठने वाली केबिन है उसमें पूरा अंदर एक बना के तहखाना टाइप का और उसमें छिपा करके लिए जा रहे थे, तो उसमें बरामद हुई है और ये करीब 20 लाख रुपए का ये जो ट्रक है इसको भी इसमें बंद किया गया है, सीज किया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो दौरान चाहिए हमारी पुलिस ने।